बाइक के जैसा नहीं ना है, इसमें कुछ अलग खूबी है। खूब राव रे हटे को ना खैनी खैले रही का क्या बाबा खैनी। तो गुड मॉर्निंग सुप्रभात, आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने इस नई वीडियो में। तो गाइज सुबह का टाइम हो चुका है और धीरे धीरे धूप भी आ रही है और सुबह का भी 10:30 हो रहे हैं। 10 बजे सो के उठ गया हूँ क्योंकि रात में आपको पता ही है यार, आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग्स लाने में कितनी हालत ख़राब हो जाती है हमारी। तो एडिटिंग करो, थंबनेल फलाना ढिंकाना, इतना तो यूट्यूब पे काम रहता है, पहले ही पैसा कमा लीजिए क्या नहीं ना। तो अभी उठे हैं तो बरस कर रहे हैं, ये सब दिखाना नहीं चाहिए बरस करना, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं, क्या करें, हम कुछ प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है मेरे पास। हाई देखिए चला बाको वैसे करो, दिख रहा है अरे डरा गया। तो ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करके मिल रहे हैं, खराब लग रहा होगा अभी, इसीलिए ब्रश कर ले रहे हैं अभी। चलिए ब्रश व्रश कर लिए हैं, अभी चलते हैं अपने खाने की ओर, नाश्ते की ओर। टाइम हो चुका है अभी, देख लीजिए कितना हो रहा है, 11:30 हो गए हैं। और अभी जो कल रात में पापा ने मटन बनाया था वो मटन बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गर्मा गर्म चावल, भाप फूट रहा होगा, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। और यहाँ पे हमारा मटन जैसा कि देख सकते हैं, ये चूल्हा का समझ के ही मत सोचिए कि यहाँ खाना बनता है, यहाँ नहीं बनता है। खाने के लिए तो अलग किचन है, लेकिन वो वेज के लिए है, जैसे कि इधर देख सकते हैं किचन, लेकिन वो वेज खाने के लिए है, जैसे मम्मी उम्मी जैसे पूजा पाठ करती उसके चलते खाने के लिए। और हम लोग को लगता है थोड़ा, हम लोग मांसाहारी आदमी, तो हम लोग अपना साइडे में व्यवस्था जमा लिए हैं अपना, क्या किया जाए, मांस मछली खाएंगे तब ना बढ़िया बनेंगे। ये देखिए चेलवा को पापा दिए हैं खाने को साला, खाने के बाद फिर भी टरुआई ले खाएंगे खाएंगे, देखिए वहाँ पे दिए थे पापा, क्या बोले आपको। तो अभी चावल में डालते हैं ग्रेवी अपना, फिर थोड़ा पेट पूजा करते हैं। चलो चल तीयू का तो ना खेब, तो इसको बंद कर देते हैं, डिस्टर्ब करेगा खाने में। अभी चावल अपना आगे ले करके देख लीजिए, ज़्यादा चावल हम नहीं खाते हैं। अरे अरे कुई कुई अब का खाओगे रे, जब घर में कोई औरत या कोई लड़की जिसे मेरी माँ रहती थी, अभी तो दिल्ली है, मजा काट रही है उधर, सजा तो हमको मिल रहा है, पोछा मारे हैं बताइए, अभी खाना खाने जा रहे हैं, 11 बजे नाश्ता का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है। तो यहाँ पे मीठा वन निकाले, कल खीर बनाए थे तो कल हम मीट नहीं खा पाए, सोचे कि खीरे खा लिया जाए, कहीं खीरा बर्बाद हो जाता है, और जो बचा हुआ था खीर जा करके जो कुत्ते थे उन सबको खिला दिया, आपको पता ही है प्रेम करे कोई कोई डर मत कर। देख लीजिए हमारा मटन कितना स्वादिष्ट मटन है, बुलेट की। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हो कि कपड़े वपड़े पहने, काफी ज्यादा ठंडी लग रही है, मफलर भी ले लिया है। अभी जा रहे हैं, एक वीडियो शूट करना था मेरे को, तो विकास को मैंने बुला दिया कि चल थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं अपने लोकेशन पे जहाँ वीडियो शूट करते हैं, बाइक की वीडियो शूट थोड़ी करनी थी। और इसको देखो, सबसे पहले इसको चुल मच जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ तुमसे उससे क्या लेना देना है, खाली घूमने का। तो चलते हैं, विकास नीचे वेट कर रहा है, बुलेट आज काफी टाइम के बाद निकलने वाली, मतलब 1-1.5 महीने होंगे जब से स्टार सिटी, तब से बुलेट को भी पूछ ही नहीं रहा है। तो अभी चलते हैं बुलेट को करते हैं कोल्ड स्टार्ट, फिर निकलते हैं लेकर के उसको। अरे यहाँ पे विकास बाबू भी आ गए हैं, भाई कुत्तों से सावधानी, तो पिछवाड़ा तुम्हारा पकड़ लिया जाएगा। ओके ओके, ओ भाई हैंडल खोल तो दे, तो चला जाना बाबू है, तो बाइक करते हैं कोल्ड स्टार्ट अभी। यार बाबू भैया लड़की का चक्कर, बाबू भैया लड़की का, क्या कीजिएगा, ये सब बर्बाद है, छोड़ा करते हैं। ए भाई क्या करो भाई, तो नहीं हो रहा है, बताइए सूखी हड्डी वाले लड़के भी आजकल बुलेट लेकर चलने लगे हैं, क्या हम कर सकते हैं अब इसमें ना हुई। अरे यार एक जगह प्लेट लगता था यार, देखो गाइस प्लेट भी यहाँ का घूम गया, पता नहीं प्लेट कहाँ चली गई, 1-2 महीने के बाद निकाल रहे, मारो किक मारो 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 मारो, बढ़िया ठंडा गया है तो थोड़ा देर उसको 10-15 किक मारना पड़ेगा, मारते हैं किक उसके बाद देखते हैं, नहीं तो आगे ही दुकान है वहाँ पे दिखा देंगे दुकानिया से, वो कहेंगे रे भाई ठंडा के दिन में अक्सर ही प्रॉब्लम होती है बुलेट पर। अरे भाई
चालू भइल भइल का चालू भइल का नजदीक आ नजदीक आ मारो 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 आवाज नहीं जा रहा भाई लोगों को बुलेट हो गई स्टार्ट फिर बंद हो गई क्या होगी बात जरा तो चलिए अभी फाइनली हमारी बुलेट हो गई स्टार्ट कोल्ड स्टार्ट करते हैं पीछे बैठ गया है विकास और अभी चलते हैं अपने लोकेशन पे फिर लग रहा है बंद होगा देख रहे हैं आवाज़ आ रहा है ना ठंडा के दिन में तो बुलेट सब में प्रॉब्लम बहुत होता है क्या कीजिएगा देख रहे हैं कैसे कर रही है गड़िया ठंडा आ गई है इसको गर्माना पड़ेगा थोड़ा गर्मा देते उसके बाद चलते हैं तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहीं पे अपने लोकेशन पे जो हमारा ये लोकेशन इस साइड में देख सकते हैं गांव के बीचों बीच पावर ग्रिड के यहाँ पे हम लोग का लोकेशन है वीडियो शूट होता है अभी सीज़न चल रहा है खेती उती का तो चचा लोग यहाँ पे अपना जो होता है पुआल उल सब कस रहे हैं क्या चचा का हाल चाल ठीक बना बाबा कहाँ कहीं रहुआ है बैजनाथपुर के राउ रे हटे खैनी खोल रही क्या बाबा खैनी बाबा खैनी खा रहे थे क्या किया जाए जाने दीजिए बुढ़ापा ऐसा दिन होता है कि खैनी कुल चीज किया देगा दारू रू ना पीना ना 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 पियहू के ना चाहिए ना, ये है ना बहुत बढ़िया है कुल पुगारा रहुए रहे हो ना अच्छा तो देखिए बाबा वहाँ पे अपना चले गए काम उम करने के लिए हम लोग अपना काम किया जाए हाई उधरिया मूत रहा था वो नहीं हम देखाएं कहीं गुस्साने लगता तो दिक्कत हो जाता ये वीडियो मेरा कैमरा मैन भाग जाता फुला के मुंह तो क्या करता हूँ कहीं फुला कर मुंह भाई क्या पहना रहे भाई लफुआ बन रहा है पचास हज़ार का प्लेटिनम के बनवाई ले बंड सरऊ 50,000 के भाई बट चलिए वीडियो शूट कर लेते वीडियो शूट करने के बाद आपसे मिलते हैं क्या बाबू कहाँ कहाँ हो बैजनाथपुर क्या करता भाई अच्छा गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमारे बिहार में इतने छोटे छोटे बच्चों को काम करवाया जा रहा काम घर के करता ना आगी तापे के मदयाक तापे खाती है तो ना मेहनत ए मर्दे का देखा उसको दिखाओ हमको भी दिखाओ उसको भी दिखाओ ऑडियंस मेरा मुंह नहीं देखेगा उसका मुंह देखेगा कि वो मेहनत कर रहा है आगी तापे के ले जाता लो हेने आवा तो तनी मतलब हमनी के न्यूज लाइल है हवा है ना तो नहीं गंदा कैसे हो गिल बड़ा गेंदा है का देखी तो गाय जी गेंदा रखा है देखिए गेंदा देखिए ये गेंदा रखा है अरे बोया रख तो है ना कौन साल होता है उम्र अरे साला ये कौन साल के करा यो नहीं खेल जाना तुम तिया इधर आओ तुम वहीं पर रहो अब बताओ उम्र तुमको नहीं पता है काम कैसे कर रहे हो तुम ठेला ले अरे हाथ से लेना अरे बकलोल कहीं काम को आता नहीं उम्र तुम्हारा नहीं है घर बैठने का उम्र है पढ़ाई करने का उम्र है काम तुम क्यों कर रहे हो वो कौन है वो बाबा बड़का बड़का है आइए बाबा का थोड़ा बात हम आपको सुनाते हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं बोलिए बाबा जी लड़का के बाप मतारी पहले से पढ़ाई हाँ जी हेने आजी हेने रुआ जी तबे ना ये पढ़ी हाँ पढ़ी आपके बात सही बा लेकिन छोट लड़का ले काम ना कराओ जा रहा बाबा मजबूरी करावे ला हाँ तापे के ले जाता बात अच्छा बाबा का कहने का मतलब है कि सब मजबूरी कराती है गरीब चीज लोग है ये मजबूरी करा रही है आग तापने के लिए ले जा रहा है इसमें कोई खराब चीज़ नहीं है घर का काम करने में कुछ खराबी नहीं है तो गाइस अभी हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है पूरी वीडियो मैंने बना दी अपनी जो चैनल के लिए था हमारे तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है अभी विकास ने बोला कि मैं सोचा कि चलते हैं घर तो विकास बोल रहा है भैया हमारा के बुलेट सीखे के बाबा हमको नहीं चल सिखाओ तो तोरा के बुलेट लेकिन देखो बउआ अगर गोड़ हाथ टूटी तो हम बाबू जी ने मत कहियो कि हम सिखाओ तो नहीं ठीक है हम अपने रिस्क पे सीखेंगे अपने रिस्क पे तो देख लीजिएगा आप सबको हम दिखा दे रहे कि अपने रिस्क पे सीख रहा है अगर गिरेगा तो आप मेरे लिए हैं प्रूफ कि आपको हम दिखा देंगे कि अपने बोले खाली अरे बोलो बोलो कि हम अपने रिस्क पे सीख रहे हैं गोड़ हाथ टूटेगा तो राजा की कोई प्रियांशु की कोई गलती नहीं है बोलो प्रियांशु का रिक्स पर सीख रहा है घोड़ा टूटेगा सब रिक्स ले रहा है ऐसा दोस्त नहीं चाहिए ना भैया गाड़ी में कुछ का टेंशन नहीं हम बनवा लेंगे लेकिन घोड़ा सही सलामत अपना रखना गाड़ी दोबारा आ जाएगी भले ये घोड़ा तो अपना भले तोड़ लेना गड़िया को कुछ हुआ ना तो गरिया देंगे दूर तो इसको तनी बुलेट सिखाते हैं मारो
तो गाइस अभी विकास को बैठा दिए, किक मार रहा है, स्विच दिया हुआ है ना? हाँ दिया हुआ, न्यूट्रल दिखा रहा है? हाँ दिखा रहा है, चलो किक मारो। अरे पगलेट, तारा लिखा आदमी ले किक कब मराई ना मराई, स्टैंड पी साइड वाला स्टैंड मारो उसके बाद किक मारो। एकदम डांडे हो का गाड़ी इनकरा सीखे के बाटे किक हम मार। अरे क्लचवा छोड़ रे, अरे लोलावा क्लचवा उ छोड़ छोड़ ले भैया, छोड़ दे ले ना। अरे रुक रुक, पहले बता दे इसको क्या कह, देखो इसको ऐसे कर दोगे ना तो गाड़ी बंद हो जाता है, एक्सीलेटर है, अगलीला ब्रेक मारोगे तो मुंह के बल गिरोगे, और ये क्लच है देखो, इसको क्लच बोलते हैं ठीक है। ये नॉर्मल बाइक जैसी नहीं है, टीवीएस स्टार सिटी फलाना ढिंकाना ऊना है, सबन में होता है कि आगे न्यूट्रल होता है पीछे में गियर लगता है, चार गियर पीछे रहता है आगे न्यूट्रल रहता है, जानते ही हो अभी न्यूट्रल में ही। तो इसमें है कि बीच में आपका न्यूट्रल है, आगे एक गियर है बाकी पीछे है। अगर तुम देखो न्यूट्रल में भी है ना तो तुम पीछे नहीं मारोगे बाकी गाड़ियों के जैसा, इसमें तुमको होता है कि तुमको आगे मारना है ठीक है। आगे मारोगे तो एक नंबर लग जाएगा, उसके बाद चलते चलते पीछे मारना है, तो आगे मारना है तो अभी स्टार्ट कर देते हैं। ई वाला ब्रेक है जैसे कि देख सकते हो, और एकदम रिलैक्स होकर चलाना, टेंशन नहीं है, आराम से एक्सीलेटर दो, दो एक्सीलेटर दो, पहले देख एक्सीलेटर देख लो एक बार कि गाड़ी कंट्रोल में रहेगा तुम्हारे, एक्सीलेटर दो ना, उड़ दो एक्सीलेटर दो है ना ठीक है ना, क्लच लो। डर लगा था मतलब बड़ी हमारा डर लग रही लेके पे, नंबर आगे मारो गियर आगे, ब्रेक लो ब्रेक, आगे वाला लो ब्रेक, ले लो ले लो ले लो। अरे बकलोल, ब्रेक लेने को बोले क्लच छोड़ने को नहीं बोले हैं, आगे भागे की 350 cc है, 100 cc का ना हल्लू ना भाई बड़ा, ब्रेक लिए रहो, इंजन में पावर है इसके चलते भागेगी गाड़ी आगे भाई, इंजन में पावर इसे बुलेट का कोई मुकाबला है। रो मार दे किक, देखिए मार रहे हम की, देखिए ब्रेक वही पीछे वाला ब्रेक ले लो, हाँ भाई क्लच लो आगे, उसको ले लिए, धीरे धीरे ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो बोला, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे एक्सीलेटर दो, धीरे धीरे एक्सीलेटर, धीरे धीरे चलो, चल रहा है तो गाइस चला रहा है लौंडा हमारा, आराम से आराम से आराम से, रोकना होगा ना तो ये आराम से क्लच लेना, आगे वो मत लेना, पैर वाला ब्रेक मारना, क्लच ले लो पैर वाला ब्रेक ले लो। वाह आज तो छौड़ा को हम सिखा दिए, चलो चलो चलो, क्लच छोड़ो एक्सीलेटर दो, क्लच छोड़ दो, क्लच छोड़ दो एक्सीलेटर दो, छोड़ दिए तो गाइस सिखा दिए हम, धीरे धीरे चलो चलो चलो। एगो हमारा ड्राइवर मिल गए, ड्राइविंग करे वाला कहीं जाए तो ठीक बा, मालिक इसमें साला बैठे रहते रहे, चलो ऐसे ही चलते रहो आगे से घुमा के, तुम ही बोला ना हम नहीं लाएंगे, हम इधर रह जाएंगे तो कूदा देना नहर में। चलिए गाइस आज अपने लौंडे को सिखा दिए हम बुलेट फाइनली, चलो एक के बार में सिखा दिया, ऐसा ना होना चाहिए भाई, देखिए कैसे बुलेट धड़धड़ा रहा है, अरे देखिए रहेगा मार मत दिए तो पलटी ना ले लेगा उड़ जाई, आराम से चलाना आराम से। तो यहाँ पे चला लिया है लौंडा, इससे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस, कैसा मजा आया? नॉर्मल बाइक के जैसा नहीं ना है, इसमें कुछ अलग खूबी है, खूबी तो है ये है बुलेट में बैठने वाला सही छतिया चौड़ा हो जाता है, जिसको सेट नहीं होने को वो सेट हो जाएगा। बढ़िया लगा कि तुम चला लिए एक बार में, अभी यो चलाना एक राउंड मारना है ना, अब घर चला जाए ना। तो देखिए इसे सिखा दिए हैं, अपना सीख गया, कल परसों कहीं जाएंगे इसके इसी को लेकर हम ज़्यादातर घूमते रहते हैं, तो साथ में रहेगा तो कहीं जाएंगे तो इसको दे देंगे, पीछे रहबे करेंगे तो धीरे धीरे पक्का ड्राइवर बना देंगे इसको, और ड्राइवरी करने के लिए तैयार हो जाओ मेरा, 10,000 रुपये सैलरी ठीक है, नती यू सिखा देनी बहुत। लेकिन बड़ा अलग था कि मतलब कोई भी सीखता है तो साइकिल से सीखता है, स्कूटी छोटी गाड़ी, लेकिन इसको सीधा बुलेटे पे सिखा दिए, पता तो चलना चाहिए ना कि बिहार के बबुआन लोग हैं। तो चलो बहुत बढ़िया लगा,